नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने YouTube चैनल मेरे प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। SSC CHSL 2020 की ज्वाइनिंग कब तक होगी, किस मंथ तक हो सकती है, आखिर कब तक स्टूडेंट उम्मीद कर सकते हैं कि वो ज्वाइन कर लेंगे, उन्हें सैलरी वगैरह मिलने लगेगी। ढेर सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सर ज्वाइनिंग के बारे में बताइए कि ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आखिर किस मंथ तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, कितना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बिल्कुल सटीक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अभी आपको कितने प्रोसेस से होकर गुजरना। अभी आपकी टाइपिंग हुई है, टाइपिंग के बाद आपका टाइपिंग का रिज़ल्ट आएगा। 1 जुलाई को आपकी टाइपिंग हुई है, इसके बाद आपका टाइपिंग का रिज़ल्ट आएगा। देन आपकी DV होगी, DV के प्रोसेस में भी 20 से 25 दिन का टाइम लगता है। फिर उसके बाद जब DV का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके 1 से 1.5 महीने के बाद आपका फाइनल जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस होता है। फिर उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि आपका जो डोजियर है, जो SSC है, वो आपका जो डोजियर है, जो आपके डॉक्यूमेंट है, वो आप जिस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होते हैं वहाँ पे भेजती है। उसके बाद वो डिपार्टमेंट अटेस्टेशन फॉर्म निकालता है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो किस क्राइटेरिया का होगा, उसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन आपके सैडिस पे कराएंगे, तमाम जानकारियाँ। उसके बाद आपका देन ज्वाइनिंग लेटर आता है और आप ज्वाइन करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, इसको हम डिटेल में एक बार और समझ लेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइम की कि टाइम कितना लगेगा। तो देखिए, अभी टाइपिंग का रिज़ल्ट आने में कम से कम आपको, अगर 2019 की हम बात करें तो 3-3.5 महीने के बाद आपका रिज़ल्ट आया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका जो टाइपिंग का रिज़ल्ट है वो आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आप उम्मीद कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले भी आ सकता है क्योंकि इस बार SSC का प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। तो अगर ये टाइपिंग का जो रिज़ल्ट है वो जल्दी अनाउंस होता है, जैसे 1 से 1.5 महीने या 2 महीने में आ जाता है, तो उस हिसाब से आपका 1-2 महीने और कम हो जाएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2019 के बेसिस पे आपको बताने वाला हूँ। तो 3-3.5 महीने के बाद अगर टाइपिंग का रिज़ल्ट आएगा तो अक्टूबर में आपका टाइपिंग का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, और अक्टूबर में ही आपका जो DV का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और मे बी नवंबर के फर्स्ट वीक तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर पहले आता है टाइपिंग का रिज़ल्ट तो ये प्रोसेस पहले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब DV का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो 1 से 1 महीना 10 दिन के बाद आपका 2019 में रिज़ल्ट आया था, फाइनल जो रिज़ल्ट है, तो वही आप उम्मीद कर सकते हो कि दिसंबर में आपका जो रिज़ल्ट है फाइनल वो डिक्लेयर हो जाएगा। अब दिसंबर में जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा आपका, तो एक रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद फाइनल जो रिज़ल्ट है जब डिक्लेयर होता है, उसके बाद 1 महीने का टाइम, 20 से 30 दिन का टाइम, वही आप 1 महीना ले सकते हो। उसके बाद SSC डोजियर सभी डिपार्टमेंट में पहुँचा देती है, उसके बाद डिपार्टमेंट अटेस्टेशन फॉर्म निकालता है। तो फाइनल रिज़ल्ट के बाद भी मिनिमम 3 से 4 महीने लग जाते हैं और मैक्सिमम ये टाइम आपका 7 से 8 मंथ भी लगेगा। वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे कि आपको डिपार्टमेंट कौन सा मिला। अगर आपको मिनिस्ट्री मिली है तो मिनिस्ट्री में आपकी ज्वाइनिंग जो है वो जल्दी होती है। उसके अलावा इस बात पे भी ज्वाइनिंग डिपेंड करती है कि जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ उसमें नंबर ऑफ एस्पिरेंट कितने हैं। ज़्यादा एस्पिरेंट का सिलेक्शन हुआ तो जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर कम एस्पिरेंट है तो टाइम कम लगेगा। तो यही आप उम्मीद कर सकते हो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि अप्रैल से मई तक, मई जून तक आपकी जो ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी। यानी कि उसके बाद आप जॉब पा लेंगे, आपकी सैलरी वगैरह आने लगेगी। ट्रेनिंग पीरियड से ही आपको सैलरी मिलने लगती है। जहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड होता है वहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड आपको कंप्लीट करना होगा, नहीं तो डायरेक्ट ज्वाइन आप कर लेते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो वो सारे प्रोसेस आगे के होते हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर मैं रफली आपको आइडिया दूँ जो टाइम है, इस टाइम से कितना टाइम आपको लगेगा ज्वाइनिंग में, तो अभी आपके ये आपका जुलाई चल रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि आपको 10 से 11 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि अभी ढेर सारे प्रोसेस होने बकाया हैं। और वहीं अगर आपका रिज़ल्ट जो है, टाइपिंग का रिज़ल्ट अगर आपका 2 महीने में आ जाता है, तो यही टाइम आप जो है कम कर सकते हो कि 8 से 9 महीने आपकी ज्वाइनिंग में लगेंगे, इससे कम टाइम आपका नहीं लगने वाला है। ठीक है, करता हूँ कि आपको सटीक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिल पाई होगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।